हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे डिजिटल मल्टीमीटर का यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक डिजिटल मल्टीमीटर है। डिजिटल मल्टीमीटर में आप ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, दाहिने वाला पोर्शन जहाँ पे बिल्कुल सीधी लाइन बनी है, ये है डीसी करंट के लिए। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट के लिए, जैसे ऊपर नीचे दिखा रही है, अल्टरनेटिंग करंट के लिए, ये करंट मेजर करने के लिए। उसके जो डीसी के नीचे आप देख सकते हैं ए का साइन है, जहाँ पे हम जो है एम्पेयर, अगर आपको एम्पेयर मेजर करना है, इलेक्ट्रिसिटी मेजर करनी है डायरेक्ट, ऊपर वोल्टेज के लिए दोनों डायरेक्ट वोल्टेज, ऑल्टरनेटिंग, इधर आपको जो है दाहिने तरफ लोअर पार्ट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए ये सारे के सारे साइन है, 200, 2K, 20K, आपको जो भी मेजर करना है उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली अगर आप घरों में, मान लिया आपने कोई एसी मेजर करना, तो आपने इस नॉब को जो है दाहिने तरफ घुमाना है। आप ये देखिए नीचे आपके, ये एक डिजिटल मिलीमीटर का मल्टीमीटर का सिमुलेटर, आप ये देख सकते हैं कि जो है आपने यहाँ पे 200 वोल्टेज तक आपने जो है यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। वोल्टेज और रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए आपने जो है यहाँ पे एक तार लगानी है, दूसरी तार आपने यहाँ पे लगानी है। इसमें आपको दिख रहा है वोल्टेज और मल्टीमीटर। जैसे नॉर्मली आप अपने स्टेबलाइजर या कहीं पे भी देखते हैं, आपको जो वोल्टेज मिलता है 220, 230 मिलता है, तो आप उसको यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। उससे ज़्यादा, मान लिया आपने एसी का चेक करना है या उससे ज़्यादा, तो आप लोग जो है इस नॉब को घुमा सकते हैं और आप देखिए ऊपर जो है शो करती है रीडिंग है। ये सब के सब आपने जो है मेजरमेंट करनी ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए। अगर आप मेजर करना चाहते हैं अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल के लिए, तो आपको क्या है डीसी वाली रेंज में जाना पड़ेगा। डीसी रेंज जाने के लिए मैक्सिमम जो है, जितने भी मोबाइल का हम मेजर करते हैं, वो अप टू 20 तक करते हैं। कभी 20 से ऊपर आ जाए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको जो है इसको यहाँ से थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं। अगर हमने लैपटॉप में थोड़ा सा ज़्यादा वोल्टेज को चेक करना, तो हम यहाँ से 20 से ऊपर यहाँ पे भी मेजर कर सकते हैं। नॉर्मली जितने भी मोबाइल का बैटरी वुटरी जो भी हम चेक करते हैं, वो यहाँ करते हैं। उसी तरह से अगर आपने जो है करंट मेजर करना है एम्पेयर में, तो आप देखिए यहाँ पे आपकी तारें भी चेंज हो जाती है। अब आपने जो ये तार दो लगाने, जो दो तारें होती हैं, जो रेड वाला पार्ट है, जो पॉजिटिव पार्ट है, वो आपने मिली एम्पेयर पे लगा दिया है, और दूसरा वाला इस पर लगा दिया है। इसके थ्रू आप जो है करंट मेजर कर सकते हैं, जैसे 200 एम से स्टार्ट है अप टू 2 एम। उसी तरह से अगर आपने रेजिस्टेंस मेजर करना है, तो आपने लोअर पार्ट में जाना। आप देखिए यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस के लिए रेड वाली वायर हमने यहाँ पे लगा दी, और ब्लैक वाली वायर कॉम में आ गई है। यहाँ से आप रेजिस्टेंस जो है 200 से लेकर 2 एम तक कर सकते हैं। इस तरह से आप जो है डिजिटल मिलीमीटर को, डिजिटल मल्टीमीटर को आप यूज़ कर सकते हैं, और कितना करंट या कितना वोल्टेज किसी टाइम पे है, डिजिटल मल्टीमीटर को जो है आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आपने सिर्फ जो है राइट डायरेक्शन में जो भी, अगर आपको करंट मेजर करना है, वोल्टेज मेजर करना है, या रेजिस्टेंस मेजर करना है, तो आप उसी अकॉर्डिंग कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।